को छू के भी छूने को करता है दिल, पाके भी पाने को करता है दिल। आवारगी आने लगी सांसों में खुशबू सबकी जिंदगी बदल रही थी। इन्हीं दिनों में सुर को भी एक दोस्त मिल गया इंटरनेट पे, जिससे वो अपने ख्याल शेयर करने लगी। पर अब तक सुर ने अपने उस अनजान दोस्त को ना देखा था ना जाना था। हाय, दो दिन हो गए, वेयर हैव यू बीन? तुम्हें पता है मेरे घर में एक रिश्ता है। ओ गॉड, तुमने कहीं शादी के लिए तो नहीं सोचा? डोंट वरी, मैंने अभी शादी के लिए सोचा नहीं है, रिश्ता मेरी दीदी के लिए आया। एक महीना हो गया हमें इस तरह चैट करते हुए और अब तक मैंने तुम्हें देखा भी नहीं। तो हम कब मिलेंगे? परसों रशेस कैफे। ओके। हे, आई एम बैक। अंतरा दी, ओ माय गॉड, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। कैसी हो तुम? मैं ठीक, अभी अभी आप ही के बारे में सोच रही थी। अच्छा, झूठी कहेगी, मेरे बारे में सोच रही थी तो मुझे कॉल क्यों नहीं किया? कम से कम एक बार कॉल करके यहाँ की न्यूज़ तो दे देती। कितना कुछ हो गया ना बॉम्बे में, पूर्वी दी भी आ गई और मैंने सुना है कि आरोही दी के लिए रिश्ता है, वो भी उनके बॉस का। That's so cool ना? तुझे पता है, जब भी मुझे बुआ ने ये सब बताया ना फोन करके, मैं इतनी एक्साइटेड हो गई कि एग्जाम देने के बाद तुरंत यहाँ वापस आ गई। अच्छा, दी कहाँ है? वो पूर्वी दी के साथ ऑफिस गई है। यू नो, मुझे लगता है शायद आरोही दी ये रिश्ते के लिए ना कर देंगी। ओह माय गॉड, तो क्या डिसाइड किया तूने? किस बारे में थी? देख, ज्यादा इग्नोर मत कर, मैं तेरे बॉस के बारे में बात कर। क्या डिसाइड किया तूने? देखा, जिंदगी में काफी ऐसी चीजें होती हैं जो एक बार चली जाती है तो कभी वापस नहीं आती, पर हाँ, हमें हमेशा के लिए याद रह जाती। वैसा ही होता है जिंदगी का पहला प्यार। आरोही, चाहे तू भी जिंदगी का पहला प्यार नहीं भुला सकते, पर हाँ, दूसरा प्यार कर तो जरूर सकते हैं ना। सच कहूं आरोही, तेरे सलिल जीजू अगर मेरी जिंदगी में नहीं आते ना, तो मैं वही पुरानी पूर्वी हूं, हमेशा अपने आंसू बहाती रही। तो फिर आप क्यों छोड़ के आ गए सलिल जीजू को? आंसू तो अब भी आपकी आंखों में है ना? क्योंकि मैं तेरे सलिल जीजू को बहुत मिस करती हूँ आरू। किसी वक्त मैंने तुम्हारे भैया से बहुत प्यार किया था, पर उनके जाने के बाद मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मैं जिंदगी में फिर कभी किसी से प्यार नहीं करूंगी। और फिर तेरे सलिल जीजू मेरी जिंदगी में है, उन्होंने मुझे जीना और मुस्कुराना सिखाया, आज उन्हीं की वजह से मैं जी रही। यही चीज आज तेरे साथ भी हो रही है आरोही। आज तेरी जिंदगी में भी दोबारा से कोई आए, तेरा हाथ थामने, तेरा साथ देने, तू तो इतना सोच क्यों रही? जा और जी ले अपनी जिंदगी। जिंदगी जीने का मतलब एक दूसरे की आंखों में देखना नहीं होता, बल्कि एक साथ एक ही दिशा में देखना होता है। देखा रू, आज तुझे फैसला लेना ही होगा, तेरी जिंदगी का फैसला।
रिहर्सल्स। बॉस, यू नो आपकी शादी हो रही है आरोही के साथ। व्हाट? पागल हो गया क्या तू? मैड और व्हाट? पागल? आपका प्रपोजल गया था उसके घर आपकी फोटो के साथ। मेरी फोटो? कैसे? उस दिन मेरी माँ आई थी ना, तो उन्होंने आरोही को मेरे लिए पसंद कर लिया था और मैरिज ब्यूरो में मेरी फोटो की जगह आपकी फोटो चली गई। ये तेरी मॉम ने ट्रेडिशनल मैरिज की स्टोरी में इतने हॉरर ट्विस्ट क्यों दिए अबे? टेरिफिक टेंशन। सर, टेंशन तो मुझे होना चाहिए सर। एक्चुअली मुझे ना किसी लड़की में इंटरेस्ट है ही नहीं। क्या बोल रहे तू? कोई दूसरा चक्कर है? अरे नहीं सर, कोई दूसरा चक्कर नहीं है। एक्चुअली ना मैं किसी और लड़की को पसंद करता हूँ। बस कुछ ही दिनों की बातों में ऐसा लगने लगा है जैसे जैसे हमारे ख्यालात बहुत मिलते हैं सर। हाँ अच्छा, ख्यालात मिलते हैं। एक्सक्यूज मी सर। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अरे साइलेंट मूवी तो कब से देख रहा हूँ, साउंड की कमी वो भी आ गया। एक्चुअली बात ये थी कि अगर मैंने यहाँ कुछ भी बोल दिया तो इन लड़कियों का कोई भरोसा नहीं, रोना धोना शुरू कर देगी, बेकार में सीन क्रिएट हो जाएगा। वेट इट, एक्चुअली मुझे भी तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है, पर यहाँ नहीं। Let's go to my favorite restaurant. Come on. But sir. Aroy, please. मुझे जो important बात करनी है, वो मैं यहाँ नहीं कर सकता। So let's go. कैसा शहर है ये? दिन भर भागदौड़ की तो एक कमरा मिला। और वो भी? ये आरवी और करण सिंह का बड़ी गड़बड़ है यार, तू सुनेगा तो हिल जाएगा। तुझे पता है आरवी के घर करण सिंह का रिश्ता गया है? ले गए होंगे अपने फेवरेट रेस्टोरेंट। पुअर गर्ल, उसे तो कुछ मालूम ही नहीं कि उसके साथ सर क्या करने वाले। अरे पूरी कहानी तो सुनता जा। आरवी की शादी तो मुझसे होने वाली थी, फंस गए बेचारे सर। जय हो मेरी मॉम की। आखिर ये सब कंफ्यूजन उन्हीं का तो क्रिएट किया हुआ है। कुछ ही देर में हम रेस्टोरेंट पहुंच जाएंगे, तुम्हें जो कहना है वो तुम कह देना और मुझे जो कहना है मैं कह दूंगा। अरे सुर, तेरा मैसेज आया है। What is happening? तू क्या कर रही हो? तुम्हारा फोन बजता है तुम्हें पता नहीं चलता है। कहाँ खोई हुई हो? किस दुनिया में हो? यही उदी। यहाँ तो नहीं हूँ, वरना तुम्हें अपने फोन का मैसेज भी जरूर सुनाई देता। अभी पूर्वी दी से बात हुई थी मेरी, वो कह रही थी उन्होंने आरोही दी को समझाया, शायद दी अपना फैसला बदल दे। शायद ये मौसम ही कुछ ऐसा है कि लोग अपनी जिंदगी में एक नया कदम उठा लें। मतलब मुझे लगता है अब वक्त आ गया है दी अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ा कदम उठा लेंगी। रेस्टोरेंट आ गया। और रास्ते में मैंने भी फैसला कर लिया कि आज मुझे कौन सा कदम उठाना है। मैं तुम्हारी नहीं हो सकती,
किसी और की नहीं हो सकती। जस्ट लीव नाउ अर्जुन चुंच, क्योंकि अब मैं और भी ज्यादा कन्विंस्ड हूँ। हेलो सर, दिस वे सर, आपका टेबल वहां पे रिजर्व है। रेस्टोरेंट दिस साइड, हैव यू डन द रिजर्वेशन? देखिए, आई हैव समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू मीट हियर। वेट 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 सर, सिक्योरिटी। यार अबे, आई थिंक आई शुड टेल हर टुडे। यार मैं तो मजाक कर रहा था उस लड़के को जलाने के लिए, क्योंकि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए मुझ पे गोली चलाई। आई डोंट बिलीव इन शादी वादी का चक्कर यार। एक्सक्यूज मी, ये वॉशरूम कहाँ है? मैडम यहाँ से बाहर निकल के लेफ्ट साइड में। हारोई तुम हाँ नहीं कहोगी क्या? हारोई मुझे इग्नोर करने की कोशिश मत करो। तुम अच्छी तरह जानती हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये करण सिंह, ये तुमसे कोई शादी नहीं करने वाला है। He just wants to use you. उसके बाद छोड़ देगा तुम्हें वो। Is that so? फिर भी तुमसे कितने अलग है ना वो। At least उनमें ऑनेस्टी है। उन्होंने मेरी फैमिली को शादी का फॉर्मल प्रपोजल भेजा, भले उसकी वजह कुछ भी हो। और जब मुझे उनसे शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? क्यों ना करूं मैं उनसे शादी? आरवी, मेरी बात समझने की कोशिश करो। He just wants to flirt with you. That's it. Mr. Arjun Punch, do you really think मैं उन लड़कियों में से उनके साथ तुम फ्लर्ट करते हो? And by the way, ये मेरी जिंदगी है। मैं मेरी जिंदगी में क्या करती हूँ क्या नहीं करती, Why should it bother you? Fine. Why should it bother me? जाओ, अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करो। अच्छा, do you really care? या एक बार फिर मुझ पे हक जताने की कोशिश कर रहे हो? या फिर शायद मुझे मानने की? What is this? मतलब मैं तुम्हारी नहीं हो सकती, किसी और की नहीं हो सकती। Just leave now, Arjun Punch. क्योंकि अब मैं और भी ज्यादा कन्विंस्ड हूं। आई एम मूविंग ऑन इन लाइफ। मेरी जिंदगी के एक एस्पेक्ट के बारे में आप कुछ नहीं जानते, बट टुडे
मुझे लगता है कि आपको जाना चाहिए। I care a damn. I wish. अब ये लड़की इमोशनल ना हो। कुछ वक्त पहले मुझे किसी से प्यार हो गया था, and then I realized कि उसने तो कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं, तो मैं जैसे टूट गई, सब कुछ छोड़कर यहाँ चली आई, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि मैं सिंगिंग सुपरस्टार बनना चाहती थी, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं अपने आप से भाग रही थी। मैं अब तक ये समझ नहीं पाई कि मैं ऐसे इंसान से कैसे प्यार कर सकती हूँ जो मेरी फैमिली की सेल्फ रिस्पेक्ट को ही दांव पे लगा दे। एनीवेज, यहाँ आकर मैं आपसे मिली, एक ऐसे इंसान से मिली जो उस रिच फ्लैम्बॉयंट जो शादी में बिलीव नहीं करता। एवरी डे ही हैज न्यू गर्ल, जो शो ऑफ करना जानता है, जो एरोगेंट है, जो किसी पर भी हाथ उठा सकता है, किसी का भी हाथ पकड़ सकता है, वो भी ऐसे जैसे कोई फेवर कर रहा हो। But eventually I realized I was wrong. You are a great person, sir. That I know. I mean, I understand your feelings and emotions, Arohit. But I can't marry you. Don't get me wrong, sir. I mean, आप बुरे इंसान नहीं हैं। I mean, लाखों लोग आपके ऑटोग्राफ्स, फोटोग्राफ्स, इंटरव्यूज, खैर वो सब छोड़िए, सिर्फ आपकी एक झलक के लिए मरते हैं। आपके बारे में छोटी से छोटी बात जानते हैं, आपकी पसंद नापसंद, आपके पास कितने घर हैं, कितनी गाड़ियां, आपका फेवरेट परफ्यूम, आपकी फेवरेट जैकेट, सब पता है उन्हें। और आप इन लाखों लोगों को हजारों बार हंसते हुए आई लव यू बोलते हैं और सुनते भी हैं। सबको लगता है कि आप कितने लकी, कितने खुश इंसान हैं, पर वो इस हंसी के पीछे आपके दर्द को, आपके डर को नहीं देख पाते, पर मैं देख सकती हूँ। मैंने देखा है कैसे आप लाखों लोगों के बीच में भी अकेले होते हैं और इसलिए उन लोगों को अपने आसपास चाहते हैं ताकि उनके जाने पर आपके अकेलेपन का डर ना लौटाए। आई जस्ट रियलाइज आई एम सो मच लाइक यू। हम दोनों ने जीने के बहाने ढूंढ लिए हैं, पर बहाने क्यों? एक रिलेशनशिप के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है एक दूसरे को वो खुशी दे पाना, पर वो खुशी हम दोनों के पास नहीं है क्योंकि आप मुझसे भी ज्यादा दुखी है और मुझे ये भी नहीं लगता कि आप मुझे वो खुशी दे सकते हैं। दे पाते तो इस वक्त आपके साथ बैठकर भी मैं अकेलापन महसूस नहीं कर रही होती, इसलिए मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। I'm sorry, but मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। सटाक। मेरी लाइफ में मुझे कभी भी किसी ने इतने प्यार से थप्पड़ नहीं मारा। मैं भी यहाँ वही कहने आया था जो तुमने कहा, पर तुम्हारी बात से खुश होने के बदले मुझे बहुत बुरा लगा। Anyways, वो मैरिज प्रपोजल मैंने नहीं, अब है कि मॉम ने भेजा था अब है के लिए, पर मेरी फोटो उसके साथ थी तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, बस चैप्टर क्लोज। सब
वेरी सॉरी, मुझे ये नहीं पता था। I'm really sorry. मैंने आपको कुछ कहने ही नहीं दिया और इतना सब कुछ सुना दिया। I'm sorry. I think अब मैं किसी से प्यार नहीं कर सकती। I just can't. Sorry. सर आपका खाना। आप अकेले ही खाएंगे सर? आज किसी ने मुझे अकेला कहा है, आज खाना भी अकेले ही खाऊंगा।